कोरोना के इलाज और टीकाकरण में नर्सों ने बेहद ही अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने जान जोखिम में डालकर पूरे समर्पण के साथ मरीजों का इलाज करने में मदद की। अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ की। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। वहीं आरएसडी एकेडमी ने विश्व नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में आरएसडी एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में नए छात्रों छात्रों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। विश्व की प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन आज मनाया गया है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आरएसडी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार और आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार जी रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा और कार्यक्रम का आयोजन लवप्रीत कौर ने किया। कार्यक्रम संयोजन प्राचार्य अनूप राय के द्वारा किया गया। साथ ही डॉक्टर विनोद कुमार नर्सिंग कॉलेज में आए नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को विश्व नर्सिंग दिवस की बधाई देते नजर आए और उन सभी को मन वचन और कर्म से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस विशेष अवसर पर नए छात्र छात्राओं के समक्ष लैंप लाइटिंग सेरेमनी भी रखी गई, जिसमें सभी प्रशिक्षकों ने मोमबत्ती जलाकर शपथ ग्रहण की। सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए हम शपथ लेते हैं कि हम अपने दायित्व कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करेंगे। इन शब्दों के साथ शपथ ली गई। अवसर पर डॉक्टर पंकज शर्मा, लवप्रीत कौर, शेफ अली दीपाली, नेहा, निधि चौधरी, जैकब, सुप्रियो मैत्री, अमित सक्सेना, अंजू सुखीजा, अभिषेक शर्मा, संजय मेहरोत्रा, सुखरानी आदि उपस्थित रहे।